या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कैसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ, अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से ये हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया। देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की योजना को बिना डिस्कशन के लेकर के मत आइए, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए, और जो 1.5 लाख लोग हैं बिना किसी देरी के आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए, और साथ ही साथ इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि देश में जो बेतहाशा बेकारी है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है, और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि युवाओं के न्याय को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब जय जवान होगा तभी जो है जय हिंदुस्तान होगा, यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसीलिए युवा न्याय के पक्ष में यह प्रेस वार्ता हम आपके समक्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपनी बात रखी है, अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। राजनीति के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। मालदा से हम मुर्शिदाबाद जाएंगे कल, उसके बाद बीरभूम जाएंगे, और बीरभूम होकर हम झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल पार्ट टू भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। आज मेरे साथ हमारे NSUI के प्रभारी, AICC के प्रभारी कन्हैया कुमार जी हैं। वो एक अत्यंत महत्व विषय, राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्व विषय रखता है, हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, हमारे देश के नौजवानों को लेकर, उस विषय पर आपको 4-5 मिनट संबोधित करेंगे। उसके बाद जो सवाल है आपके इस विषय पर जो कन्हैया कुमार जी बोलने वाले हैं, और भी विषय जो गर्मा गर्मी में आप लोग उठाते रहते हैं, उन सवालों का जवाब हम देंगे। तो पहला, नहीं सुनिए, पहले हमें ख़त्म करने दीजिए, बाद में आपको जो कुछ सवाल करना है हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो कन्हैया जी, अभी आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा को लेकर, हमारे युवाओं को के रोजगार को लेकर जो मुद्दा है उसके बारे में कुछ कहेंगे। कन्हैया कुमार जी, बैठो यार, यहाँ साथियों, सबसे पहले कि जैसा कि आपको हमारे वरिष्ठ नेता जयराम जी ने बताया कि आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब हम यहाँ मालदा में, बंगाल में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप से, ठीक उसी वक्त दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों नौजवान, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और ये अन्याय जुड़ा हुआ है नौजवानों के भविष्य से भी और देश की सुरक्षा से भी। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, NDA की सरकार है, उस सरकार ने एक योजना लेकर के आई, जिस योजना को उन्होंने कहा अग्निपथ योजना, जिसमें कहा गया कि 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जाएंगे। मतलब पहली बार भारतीय सेना में ठेके पर सेवा देने के लिए नौजवानों को आमंत्रित किया गया,
और इससे कई सारे प्रश्न जो है वो पैदा हुए। आप जानते हैं कि देश भर में इसको लेकर के नौजवानों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई, एक जो है तीव्र प्रतिक्रिया आई और कई जगह जो है हिंसक कार्रवाई भी देखने को मिली। सवाल ये है कि सरकार जो यह कार्रवाई कर रही है इसका मूल उद्देश्य क्या है। हम समझते हैं कि इस देश के भीतर जब आप रोजगार की हालत देखेंगे, और सेना में भर्ती होना सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, ओवरऑल आप रोजगार के सवाल को देखेंगे तो 45 साल में देश में इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज भारत में है, और जहाँ पर अस्थाई सेवा देने के लिए भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को भी एक एक करके बदला जा रहा है। आप जानते हैं कि विभिन्न विभागों में ठेके पे नौकरियां दी जाती थी, अब जो है सेना में भी 4 साल वाली नौकरी लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं, MP 5 साल के लिए बनते हैं, और 6 साल के लिए राज्यसभा में 6 साल के लिए बनते हैं, और नौजवानों को सेना में भर्ती कराई जाएगी 4 साल के लिए, उसमें भी 4 में से 3 लोगों को ही, 3 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और 1 लोगों को नौकरी दी जाएगी, सबको बहाल भी नहीं कराया जाएगा। यह जो सवाल है, इस सवाल के संबंध में एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। आनन फानन, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी सलाह मशवरा के, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार सेना में कोई योजना लेकर के आ रही है, भर्ती की कोई नई योजना लेकर के आ रही है, जिसको लेकर के देश के पूर्व सेना अध्यक्षकों से, रक्षा विशेषज्ञों से, संसद भवन में, संसद की समितियों में, रक्षा समिति में कहीं कोई बहस नहीं हुआ है। अचानक से बस प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, पता नहीं रात को कोई सपना आता है या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कैसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ, अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से यह हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया, और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है, और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज है वो है न्याय, और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी, देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे, जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी, मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की योजना को बिना डिस्कशन के लेकर के मत आइए, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए, और जो 1.5 लाख लोग हैं बिना किसी देरी के आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए, और साथ ही साथ इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि देश में जो बेतहाशा बेकारी है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है, और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि युवाओं के न्याय को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब जय जवान होगा तभी जो है जय हिंदुस्तान होगा, यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसीलिए युवा न्याय के पक्ष में यह प्रेस वार्ता हम आपके समक्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपनी बात रखी है, अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। एक मिनट, मैं कह दूं पहले से ही कि अभी अभी जो कन्हैया जी ने कहा है जय जवान जय हिंदुस्तान, उसी के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं इनसे पूछेगा
जो राजनीतिक सवाल हैं आपके, मैं अलग से उसका जवाब दूंगा। राजनीतिक सवाल नहीं, नहीं, नहीं पहले इसको खत्म ही नहीं है, बीच बीच में मत करिए, पहले ये खत्म कीजिए। देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए अभी बीच में हम लोग बंगाल प्रवेश किए थे, अभी बिहार से फिर बंगाल प्रवेश किए हैं। इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगर आप मुख्य बिंदु को देखेंगे तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि किसी की भी कहीं की भी सरकार हो, हम कह रहे हैं कि देश को यदि शक्तिशाली बनाना है तो हमको युवाओं को न्याय देना पड़ेगा, हमको किसानों को न्याय देना पड़ेगा, हमको मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा, हमको महिलाओं को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, उनके काम का जो है बराबर का उचित मूल्य देना पड़ेगा, और जिस भी समाज और समुदाय के लोग हैं सबकी हिस्सेदारी हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो यह जो सवाल हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं वो हम अग्निवीर से अग्निपथ से जुड़ा हुआ सवाल जरूर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लार्जर परिपेक्ष में देखेंगे तो ये सवाल असल में बेरोजगारी का सवाल है, ये सवाल असल में नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये सवाल असल में अगर आप अग्निपथ की योजना को देखेंगे तो देश की सुरक्षा का सवाल है। कि आप देखिए कि अग्निपथ की योजना जो है वो जवानों को लेकर के लाई गई है, जो बुनियाद होते हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी बुनियाद है, उसकी नींव है, वो उनसे जुड़ा हुआ ये जो है योजना लाई गई है। हम समझते हैं कि देश के किसी भी हिस्से को आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आज बेरोजगारी सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। तो कहीं भी नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। हम आपके सामने आज जो एक पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, इस पे जो है हम लोग जो है एक नंबर जारी किए हैं, एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है बारकोड है जिसको स्कैन करने के बाद जो है आप हमसे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान, और वेबसाइट है www.jaijawan.in, और मिस कॉल भी मार सकते हैं जिसका नंबर है 9999 4×9 81 2024। इस पे मिस कॉल मार करके हम देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, आप जय जवान मुहिम के तहत आपकी जो भी समस्या है रोजगार से जुड़ा हुआ या आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ, और यह जो अग्निपथ योजना है इसके चलते जिनको नौकरियां नहीं मिली है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इससे जो है जुड़ने की हम अपील कर रहे हैं। नंबर है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान, और जय जवान के नाम से ही वेबसाइट है www.jaijawan.in, और जिस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9999 8×1 2024। ये नंबर है, इस पर मिस कॉल करके आप स्कैन करके बारकोड से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। एक मिनट, 1.5 लाख युवा हैं हमारे देश में, 1.5 लाख युवा, उन्होंने परीक्षा पास की, सभी प्रक्रिया सफलता से उन्होंने खत्म की, और उनको गारंटी था कि वो सेना में भर्ती होंगे, और इसके अचानक उनको कहा जाता है कि अभी अग्निवीर आ गया है। ये देखिए, इसके दो मुख्य मांग हैं, एक तो 2019 से लेकर के 2022 के बीच जिन लोगों को सेना में भर्ती कराई गई, जो लोग परीक्षाओं में सफल हो गए लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, वैसे 1.5 लाख लोग हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, एक मांग ये है, और दूसरा कि जो
अग्निपथ लाया गया है, इसको बिना डिस्कशन का लाया गया है, इसकी एक सीरियस समीक्षा होनी चाहिए और जो इसमें गड़बड़ियां हैं उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। एक मिनट, ये विषय पर, इस विषय पर, हाँ हाँ पूछिए। आप युवा के न्याय के लिए बता रहा है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन गिग लेबर्स है इंडिया पर, हु आर मोस्ट अनस्ट्रक्चर्ड, दे हैव नो पीएफ, नो ग्रेजुएशन। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क, आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑल्सो। अभी पिछले दिनों राजस्थान में हमारी सरकार थी, देश की पहली सरकार है जिसने गिग वर्कर पे कानून पास किया है, तो इसका तो जवाब हम यही देंगे कि इस देश के युवा हमसे जुड़े, हमने जो अभी नंबर दिया है उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम जुड़े और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में ईमानदारी से संघर्ष करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए। और जो मजदूर हैं, चाहे वो गिग वर्कर हों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, संगठित क्षेत्र के मजदूर हों, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार आई है गिग वर्कर पे हमने जो है कानून बनाया है। और एक बात और उसमें ऐड कर दूं, अभी एक साल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गिग वर्करों का प्रतिनिधि मंडल राहुल जी से आकर के मिला और फिर हमारी राजस्थान की सरकार ने इस पर कानून पास किया। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।